हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये हैं दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए हिस्ट्री सीरीज 2 है, क्लास 2 है। आप यहाँ से 30 क्वेश्चन रोज़ हर चैप्टर से कराया जाएगा, आपका इतिहास, भूगोल, आपका पोल्ट्री, सब जगह से कराया जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था तो किसने किया था? हर्ष ने। बुद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों के साथ अपने जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, ये वर्ग थे स्त्रियाँ एवं शूद्र। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे तो बुद्ध के काल में। ठीक है, बुद्ध के काल में धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? तो ये पाली पाठ में। ठीक है, और आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो ये पाली भाषा में। ठीक है, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये त्रिपिटक है। और नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के किस जीवन घटना से संबंधित है? तो सांड जो था या बुल, वो जन्म का प्रतीक था। भारत में पाँचवीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ की गई थी? तो नालंदा में। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोधगया में, निरंजना नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर। ठीक है, उसी को कहा जाता है। और आपको ये गया में है, बोधगया में, वहीं पर बुद्ध को प्रबोध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं, याद रखिएगा। इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है? तो बौद्ध धर्म है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों से निर्मित गुंबदाकार छत्र वाले अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? जहाँ भी अर्ध गोलाकार गुंबद का वहाँ संरचना मिले किसी बौद्ध स्तूप पर, तो उसे स्तूप कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। ठीक है, महावीर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। ठीक है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो पावापुरी में। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो अंग कहा जाता है। ठीक है, और प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये चंद्रगुप्त। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिएगा, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है स्वर्ण बेलगोला, कर्नाटक में। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ था तो चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लौह का। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसार। याद रखिएगा, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो ये मगध। ठीक है, सिकंदर महान के शिक्षक कौन थे? तो ये गुरु, उनके गुरु या शिक्षक अरस्तु थे। ठीक है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी तो ये संस्कृत थी। और हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास के पिता माना जाता है, या जनक उनको। ठीक है, अलेक्जेंडर सिकंदर। ठीक है, और पुरुष ने लड़ाई लड़ी थी तो कहाँ? तो हाइपेडिसिस में, झेलम नदी के तट पर। इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं आप चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।